ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना एक परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे गया। गलत साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक व उसके 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायल पत्नी को नजदीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घटना कोकरास थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 2 की है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के पथरावा गांव निवासी राजकरण की ससुराल प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में है। राजकरण अपने साले सरीला की शादी में शामिल होकर बाइक से पत्नी अनीता देवी, 7 साल के बेटे करण, 5 साल की बेटी अंजलि व 6 माह के बेटे बाबू के साथ वापस अपने घर लौट रहा था। एक ही बाइक में 5 लोग सवार थे और उस पर लगभग 50 किलो अनाज लदा हुआ था। बाइक जैसे ही कोखराज थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव के नजदीक पहुंची, तभी सामने से नेशनल हाईवे 2 पर गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने राजकरण की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे और सड़क पर गिरे सभी लोगों को ट्रक रौंदता हुआ भाग निकला। हादसे में मौके पर ही राजकरण, उसके बेटे करण, बाबू व बेटी अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी अनीता देवी गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने कोखराज पुलिस को दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को नजदीक के एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। सभी शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना स्थल पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार का कहना है कि घटना के बाद फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है और महिला गंभीर रूप से घायल है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसे पोस्टमार्टम करके मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की खास रिपोर्ट।